तो वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल फन विद मैथ्स में। तो आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट। 99% बच्चों को जो है स्क्वायर रूट नहीं आता है, जो अभी सिक्स सेवन्थ या एट्थ में होते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ। आपको अगर स्क्वायर रूट सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको 110% जो है समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1024 जो डिजिट है उसको लिखेंगे एंड इसको पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स यानी इसके जोड़े बनाएंगे। ये जो पेयर्स होंगे वो लास्ट से बनेंगे, लास्ट में जो नंबर लिखा है उसके साथ एक पेयर। जैसे 24 एक पेयर हुआ, 10 एक पेयर हुआ। अब इन दोनों पेयर्स को हमें टेबल से देखना है कि ये किस कहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे जो टेबल होता है वो स्क्वायर का होता है। जैसे 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की 36 एंड ऐसे ही 7 की 49 एंड 8 की 64, ठीक है 64, और 9 की 81। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ना कोई भी जो टेबल आपने 2 से लेके 10 तक जो हैं वो टेबल्स को स्क्वायर रूट में फर्स्ट स्टेप में भूल जाना है, ठीक है। आपको एक ही टेबल याद रखना है जो कि है स्क्वायर का, कि 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर क्या होती है। अब आपको फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें फर्स्ट पेयर को देखेंगे 10। ये 10 जो है वो इस तरफ से, ये 1 4 9, इसमें कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इससे छोटा क्या है बेटा 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 से छोटा क्या है 9, और ये कब आ रहा है 3 की स्क्वायर पे। 3 की स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और एक यहाँ पे भी लिखेंगे 3, ठीक है, दोनों 3 लिख दिए। फिर माइनस करेंगे 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, और ऊपर से उतारेंगे 24, यहाँ पे 24 लिखा। फिर सेकंड स्टेप में जो हमारे ऊपर नंबर आएंगे इन दोनों को प्लस करेंगे, ऐड करके लिखेंगे कहाँ पे 21 24 के सामने, जो कि है हमारा 6। अब इस 6 के साथ, इस 6 के साथ पहले हम 1 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 ही हुआ। फिर 2 लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 124। तो हमने क्या किया, 60 जो है 6 को एज इट इज़ सेम रखेंगे और आगे का जो नंबर है उसे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे पहले 1 1 लगाया, फिर 2 2 लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 124 से भी बड़ा नंबर होता, 500 होता, 600 होता, तो हम फिर इसको और बढ़ाते। फिर क्या करते, 6 के साथ 3 भी लगाते, ये भी चेक करते, अगर इस पे भी नहीं आता 4 लगाते, ठीक है। टोटल हमारे पास 9 तक नंबर होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और 9 के आसपास या उससे पहले आ ही जाएगा, ठीक है। तो 124 हमारा कितने पे आ गया था, 2 पे ही आ गया था। एक तो 2 यहाँ आएगा और एक 2 ऊपर आएगा, एक 2 इधर और एक 2 ऊपर। देन उसके बाद माइनस करेंगे 124 में से, 124 जाएंगे 0। अब हमें ऊपर से कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें आप बेसिकली एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आप नीचे नंबर उतारेंगे तो पूरा पेयर ही उतारेंगे। ये 24 का पेयर था, ये पूरा पेयर ही नीचे आएगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। कोई भी एक नंबर अगर आपने उतारा तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर रूट, होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं डेसिमल के भी आपको करवाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में और कर दीजिए सब्सक्राइब।